अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। ख्वाहिश लेडीज क्लब द्वारा भजन संध्या का आयोजन नरसिंह सेवा सदन पीतमपुरा में किया गया। इस मौके पर विभिन्न गायकों ने भजनों की अमृत वर्षा से कार्यक्रम को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। श्याम ठक केसर चिड़कानी, बाबाजी ठक केसर चिड़कानी, श्याम ठक केसर चिड़कानी, बाबाजी ठक केसर चिड़कानी। हम ये क्लब चला रहे हैं और आज हमारा भजन संध्या राधाष्टमी के उत्सव पर मनाया जा रहा है और हमारी सभी बहनों ने बहुत मिलजुल के बहुत उत्साह से हमें तैयारी की है और बाबा की कृपा रही तो हम इस प्रोग्राम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और मतलब तहे दिल से मैं आज बाबा का शुक्रिया करती हूँ जो आज उसने हमारे क्लब के लिए आने का प्रस्ताव हमारा स्वीकार किया। हमारी बहुत इच्छा से हम, हाँ जी, हम इसमें पुल पार्टी करते हैं, लेडीज़ के लिए ऑर्गेनाइजर गेट टुगेदर करते हैं, मूवी दिखाते हैं, पिकनिक ले जाते हैं, बाहर के ट्रिप भी ले जाते हैं हम लोग। तो हमारी बहनें बहुत इंजॉय करती हैं, वो कहती हैं हमें ख्वाहिश क्लब से जुड़ना है और बहुत लेडीज़ जुड़ती हैं। उसके अलावा हम सोशल सर्विस करते हैं कि भी सोशल वर्क में किसी गरीब की हेल्प कर सके। आगे बाबा ने चाहा तो हम इससे आगे और बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। बाबा का आशीर्वाद रहा तो हम बहुत कुछ करेंगे। इस ख्वाहिश क्लब को हमें स्टार्ट करें 7 ईयर हो गए हैं, 6 ईयर्स चल रहा है ये हमारा, जिसमें कि हम साल में 5 प्रोग्राम्स करते हैं। आज हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, श्याम बाबा का कीर्तन है। हमने भगवान के नाम से हमारी अपनी क्लब की शुरुआत करी है, जो हमारे को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, जो हमें इस मोड़ पे हमें लेके आए हैं, जो हमें सब बहनें मिलके हम इस ग्रुप को बढ़ाते हैं। ख्वाहिश नाम हमने इसलिए रखा था कि हमारी सब बहनें इस अपनी ख्वाहिशें यहाँ पूरी करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं और अपनी उड़ानें भरती हैं। और हमारे क्लब से हम बाहर के प्रोग्राम भी करवाते हैं, बाहर ट्रिप लेके जाते हैं जिसमें हमारे मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। फैमिली ट्रिप होता है वो, सभी काफ़ी फैमिलीज भी जाती हैं हमारे ग्रुप में। मैं कविता मित्तल, मैं ख्वाहिश लेडीज़ क्लब से मतलब कनेक्ट हूँ और मेरे को 3.5 साल हो गए हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्लब से जुड़ने के बाद। और हम बहुत सारे ट्रिप्स लेके जाते हैं, वहाँ पे सब इंजॉय करते हैं, जॉइंट फैमिली आती हैं। और आज हमारा बाबा श्याम का कीर्तन है और इच्छा है बहुत अच्छा जाएगा, हमारे हर प्रोग्राम बहुत अच्छे जाते हैं, सब इंजॉय करते हैं हमारे प्रोग्राम में। और मुझे इस क्लब से जुड़े हुए 6 साल हो गए हैं और हमारा क्लब बहुत अच्छा मतलब सर्वाइव कर रहा है। बहुत अच्छे हमारे सब मेंबर्स हैं, हम एग्जीक्यूटिव सब मिलकर बहुत अच्छे से सब मैनेज करते हैं। और ख्वाहिश क्लब इसलिए नाम पड़ा कि जितने भी लेडीज सबकी जो जो ख्वाहिश होती है हम सबकी ख्वाहिश पूरी करते हैं और हमारे क्लब के सब ऑल मेंबर्स बहुत खुश हैं हमारे उससे। हम लोग 5 इवेंट्स देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं हमारे, ये हमारा इस साल का फर्स्ट इवेंट है।
कि हम इसकी भजन संध्या से ही हाँ बस भजन संध्या से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी है। मैं ख्वाहिश क्लब से 7 ईयर से ही जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ख्वाहिश क्लब के लिए कुछ काम करती हूँ और हम गेट टुगेदर का भी प्रोग्राम्स रखते हैं जिससे आपस में फ्रेंड्स बनते हैं लेडीज़, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सब अपना बिजनेस भी अपना आपस में शेयर करते हैं, कोई हम मेला वगैरह रखते हैं तो उनसे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं उसके जरिए, सब जुड़ना भी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी आगे उससे बढ़ेगा। मैं खुशी मित्तल, मुझे 7 साल हो गए हैं इस क्लब से जुड़े हुए और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ सभी के साथ में हर फंक्शन को। और बाबा से यही अपना हमारी प्रार्थना है कि पहले से शुरुआत हुई है बाबा के कीर्तन से और आगे भी सारे फंक्शन हमारे बहुत अच्छे से और बढ़िया से जाते हैं। राधे श्याम, मेरा नाम सुमन बंसल है, मैं इस एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इस ख्वाहिश क्लब की। हमारे यहाँ लेडीज़ को बहुत अच्छे से सब कुछ दिया जाता है, उसको आगे बढ़ने का बढ़ावा दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। मतलब घरों से निकल के वो लोग कम से कम कुछ अपना आगे उनका जो उसके उनके अंदर छुपा हुआ एक है, उनके अंदर जो छुपी हुई ख्वाहिशें हैं, छुपी हुई उनके अंदर जो वो आर्ट है उनका, वो बाहर निकल के आए ताकि वो यहाँ आके आगे बढ़ के सब बहनों को हम बढ़ावा देते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। यही हम ख्वाहिश लेडीज़ क्लब सारी क्लब्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का सपना है। मेरा नाम देवांशी सोलंकी है। आज मुझे ख्वाहिश लेडीज़ ग्रुप क्लब ने बुलाया है, इनवाइट किया है। यहाँ पे आके मुझे पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है कि इतने बड़े लोगों के बीच गाने का मौका मिला है, जैसे रानी वर्मा जी आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझे पता है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जा रही हूँ, बाबा मुझे खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सारे गामा पा में ऐसा है, मुझे चांस मिला था, मैं सेकंड राउंड तक गई थी वहाँ पे। बाबा की कृपा से मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा जाऊँगी और मुझे पता है इस बार ज़रूर मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। हाँ जी, आज राधाष्टमी है तो उसी के लिए मैंने एक भजन पहले रखा था अपना, वो ऐसे है। हाँ राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे 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 राधे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।